गुड मॉर्निंग बच्चों, आज जो काम है हमें बुक वर्क फिल करना है जो हमने पार्ट 14 जो कल पढ़ा था वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ, ठीक है, वो कंप्लीट तो हो गया था, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया था, आपको समझ में भी आ गया था। अब आपको बुक वर्क करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले पार्ट 14 लिख लेते हैं, इसमें पार्ट 14, ठीक है, किसका काम है ये, पार्ट 14 का काम है। चलिए पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सही का चिन्ह लगाना है हमें, सही का निशान लगाना है जो हमें सही उत्तर लग रहा है, ठीक है। का वाला पॉइंट देखिए, तमसा नदी कैसी गति से बह रही थी, कैसी गति से बह रही थी, तीव्र गति से, मंद गति से, उफनती, कूदती, कैसे बह रही थी, मंद गति से बह रही थी, पढ़ा था ना हमने कल, मंद गति से। खा वाला पॉइंट है, नदी की शोभा देखकर वाल्मीकि के मन में क्या हुआ, अपार हर्ष था, दुख था, निराशा थी, क्षोभ था, क्या था। फर्स्ट पॉइंट इसमें आएगा, अपार हर्ष था, ठीक है, नदी की शोभा जो थी उसको देखकर अपार हर्ष था वाल्मीकि जी के मन में, तो फर्स्ट वाला पॉइंट आ जाएगा इसमें, अपार हर्ष था, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, ग वाला पॉइंट क्या है, नर क्रौंच को किसका तीर लगा, किसका तीर लगा था नर क्रौंच को, निषाद का, भील का, शिकारी का या राजा का, किसका तीर लगा था, निषाद का, निषाद का तीर लगा था ना, वो घायल हो गया था जो क्रौंच था, पहले का निषाद, निषाद का। घ वाला पॉइंट है, क्रौंची क्या करने लगी, जो नर क्रौंच की पत्नी थी क्रौंची, वो क्या करने लगी, करुण स्वर में विलाप करने लगी, रोने लगी, नाचने लगी या फिर भागने लगी, क्या करने लगी। इसका भी पहला पॉइंट हो जाएगा, करुण स्वर में विलाप करने लगी, ठीक है, फर्स्ट वाले पे ही टिक लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे, ये जो है ना उत्तर लिखिए, इसे हम कॉपी में करेंगे, ठीक है, कॉपी में प्रश्न और उत्तर दोनों लिखेंगे, तो अभी इसे स्किप करते हैं। आगे देखिए क्या है इसमें, भाषा ज्ञान, भाषा ज्ञान, इसमें आपको क्या करना है, एक तो यहाँ पे संज्ञा लिखा हुआ है, तो इसमें लिखना है आपको, दिए गए शब्दों को व्यक्तिवाचक व जातिवाचक संज्ञा में वर्गीकृत कीजिए। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा कराई हुई थी, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं बताया था ना, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, एक तो होती है व्यक्तिवाचक जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरी होती है जातिवाचक जो यहाँ लिखा हुआ है, तीसरी होती है भाववाचक, है ना, भाववाचक ये होती है ना, तो कितने प्रकार की होती है संज्ञा, तीन प्रकार की होती है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे कितनी बतानी है, एक व्यक्तिवाचक, दूसरी जातिवाचक। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे, देखो यहाँ पर पहला शब्द लिखा है व्यक्तिवाचक, इसमें हमें व्यक्तिवाचक में लिखनी है, व्यक्तिवाचक इन शब्दों में से व्यक्तिवाचक जो शब्द हैं उनको छांट कर इनके अंदर लिखना है, ये जो ब्लैंक्स दिख रहे हैं ना, खाली जगह दिख रही है आपको, लाइन्स हैं इनमें लिखनी है आपको, ठीक है। इसे पहला शब्द लिखा है यहाँ पर, पहला शब्द लिखा है नारद जी, नारद जी किसी का जब नाम आ जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक में आती है ना, किसी का नाम व्यक्तिवाचक में है ना, तो नारद जी किस में आएगा भी, व्यक्तिवाचक में, यहाँ पे लिखेंगे व्यक्तिवाचक,
व्यक्ति, सॉरी नारद जी, नारद, नारद जी, ठीक है। आगे है ये जो रामायण लिखा है ना, रामायण का कोई और भी पुस्तक है जिसको हम रामायण बोलते हैं? सिर्फ एक ही है ना, तो इसलिए यहाँ पे भी व्यक्तिवाचक में ही आएगा ये, ठीक है। रामायण शब्द, रामायण जो लिखा है ना यहाँ पर, रामायण। आगे है ब्रह्मा जी, ठीक है, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी भी यही लिखना है हमें, ब्रह्मा जी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो ये लिखा है जातिवाचक, इन्हें लिखना है। जातिवाचक में कौन कौन से आएंगे? जैसे कि तीर, ये जो तीर शब्द है ना, ये आएगा जातिवाचक में, तीर। साथ साथ आप नोट भी करेंगे, ठीक है। मछली, मछली क्या सिर्फ हम एक ही मछली को बोलते हैं? बहुत सारी मछली जो होती हैं, हर तरह की मछली को हम मछली ही बोलते हैं ना, तो यहाँ पे मछली आ जाएगा। आगे है गुरु, सभी शिक्षक को हम गुरु बोल सकते हैं, गुरु। ठीक है, हो गया नोट, नोट कर लिया आपने? चलिए आगे देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है? इसमें विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य के नीचे पहले तो लाइन लगाएंगे, उसके बाद में इसमें लिखेंगे, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो जाए, इसलिए हम लाइन लगाएंगे पहले इन शब्दों के नीचे। चलिए देखते हैं। पहला लिखा है उसकी लंबी चोंच देखिए, ठीक है। अच्छा, विशेषण तो पता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें बोलते हैं, है ना। जो विशेषण की भी विशेषता बताए ना, विशेषण की, जैसे कि यहाँ पे लंबी चोंच है ना, तो यहाँ पे विशेषण तो आपको पता है कौन सा हो गया, ये जो लंबी शब्द लिखा है ये विशेषण हो गया। विशेष्य क्या हो गया? ये जो लंबी लिखा है ये किसकी विशेषता बता रहा है? चोंच की बता रहा है ना, तो चोंच क्या हो गया? विशेष्य हो गया, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए देखते हैं आप फिर कैसे लिखना है इसमें। चलिए, पहला ही बता दिया मैंने, जैसे लंबी, लंबी शब्द किस में आएगा? विशेषण में आएगा, किस में आएगा? विशेषण में। यहाँ लिखेंगे हम लंबी, ठीक है। ये जो चोंच शब्द है ये पीछे वाले में लिखेंगे, चोंच विशेष्य में, चोंच, ठीक है। आगे है चमकीले रंग, चमकीले रंग, चमकीले क्या हो गया? विशेषण हो गया, है ना, विशेष्य। चमकीले किसकी विशेषता है? रंग की विशेषता है, तो चमकीले हम किस में लिखेंगे? विशेषण में लिखेंगे, चमकीले। और रंग किस में लिखेंगे? विशेष्य में, रंग, ठीक है। आगे देखिए, वाल्मीकि के मन में अपार हर्ष था, अपार हर्ष, अपार हर्ष, हर्ष क्या हो गया? विशेष्य हो गया, और अपार क्या हो गया? विशेषण, अपार, ठीक है, और हर्ष यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए, ये जो लिखा है ना, पेड़ों की छाया सुखद लग रही थी, इसमें ये जो छाया शब्द है ये क्या है? ये विशेष्य है, और जो सुखद शब्द है ये विशेषण है। सुखद आपको विशेषण में लिखना है यहाँ पर, सुखद, सुखद, और जो विशेषण है वो किस, जो विशेष्य है वो क्या है? छाया शब्द जो है ये विशेष्य है, ठीक है।
सुखद क्या है? छाया। तो यहाँ पे इसलिए हमने विशेष्य में छाया लगाया है, छाया शब्द लिखा है, और विशेषण में सुखद शब्द लिखा है। आगे है सभी बातें, सभी बातें, सभी किस में जाएगा? इसमें आएगा सभी, और यहाँ पर आएगा बातें। नोट कर लिया सभी ने? चलिए आगे देखते हैं। अगला है वाक्य परिवर्तन। ठीक है, वाक्य परिवर्तन, इसमें क्या करते हैं हम वाक्य को जो एक उदाहरण दिया है उससे उसके अनुसार बदलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पहला ही लिखा है, पहला उदाहरण क्या लिखा है कि पक्षी कलरव करते हैं, पक्षी क्या करते हैं? कलरव करते हैं। तो यहाँ पे हमें वाक्य बदल कर दे दिया कि पक्षी कलरव कर रहे हैं। कलरव मतलब क्या होता है? खेल करना। ठीक है, खेलना। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कलरव कर रहे हैं। तो ऐसे ही इसे भी हम चेंज करेंगे, बदलेंगे इस वाक्य को भी। पक्षी चहचहाते हैं, पक्षी चहचहाते हैं का क्या बन जाएगा अगर हम ये लगाएंगे इसमें कर रहे हैं? तो पक्षी चहचहा रहे हैं। चलिए लिखिए, पक्षी चहचहा रहे हैं। ठीक है, आगे है ऋषि यज्ञ करते हैं। तो क्या आ जाएगा? ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, ऋषि ऋषि यज्ञ कर रहे हैं। ठीक है, इतना हो गया। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, जो लिखा है ना लिखित अभिव्यक्ति, इसको आपको खुद से करना है। ठीक है, लिखा है ना, अपने शब्दों में लिखिए तमसा नदी के आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य। तमसा नदी जो थी, इसमें वर्णन किया गया है जो तमसा नदी के किनारे बैठ के जो महर्षि वाल्मीकि जो थे बैठते थे, तो उस नदी के बारे में वर्णन करना है आपको। ठीक है, अपनी कॉपी में, सॉरी अपनी बुक में लिखना है उसे। ठीक है, और ये काम जल्दी से जल्दी करके आप स्कूल में बुक्स को सबमिट कराइए, ताकि आप ये जो बुक है वो चेक भी हो जाए। ठीक है, और सभी बच्चों को ये काम करना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।